अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्यों? कहानियाँ सुना रहे हैं दोस्तों को, तो दोस्त कह रहे हैं वाह भाई वाह, आपके पास तो इतने मज़े मज़े की कहानियाँ होती हैं, है ना? कहिए आपने, फिर उनको बताया आपने कि भाई मेरे पास मौजूद है मेरी तितली दोस्त, जो मुझे रोज़ाना नई नई कहानी सुनाती है। बताया तो उन्हें आपने कि भाई मेरे पास है मेरी तितली दोस्त, मेरी प्यारी सी किताब, हाँ, जो कि मेरी दोस्त भी है, और उसके अंदर हैं बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ जो कि मैं सुनता हूँ रोज़। जब मेरा दिल चाहता है मैं उनमें से कहानी निकाल के पढ़ता हूँ। हाँ, कैसे पढ़ता हूँ भाई? मेरी टीचर जो है मुझे वीडियोस में सुनाती हैं मज़े मज़े की कहानियाँ, और अगर मेरा दिल चाहता है दोबारा सुनने का तो मैं उनकी वीडियो को दोबारा से सुन लेता हूँ, है ना? इस तरह से मुझे कहानियाँ पक्की पक्की याद हो जाती हैं, है ना भाई? ये है ज़बरदस्त तरीका कहानी याद करने का और कहानी सुनने का, है ना? चलें जी दोस्तों, कहानियाँ का काम चल रहा है हमारा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पिछली कहानियाँ ज़रूर याद कराऊंगी। हम कर रहे हैं उनका रिवीजन, इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको ये कहानी अपने दोस्तों को सुनानी है, तो हम करते हैं रिवीजन। और हम आज भी करेंगे रिवीजन अपनी एक मज़ेदार सी कहानी का, जो कि हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन हम करेंगे रिवीजन क्योंकि भाई मेरे दोस्तों को सुनानी है अपने दोस्तों को ये कहानी, है ना? चलिए जी जनाब, उसके लिए खोलेंगे हम अपनी तितली द किताब जी, जो कि हमारी है प्यारी सी दोस्त। उर्दू से ज़रा साल अव्वल की किताब निकाल लीजिए, और यहाँ खुल गया है हमारा सफ़ा नंबर 34, और यहाँ पे मौजूद बहुत खूबसूरत सी तस्वीर। इस तस्वीर में कौन है, कौन क्या कर रहा है, देखते हैं, शायद आपको ये तस्वीर देख के याद आ जाए कि इस तस्वीर में क्या हुआ था और कौन कौन मौजूद है, है ना? ये तो आ रही है इतनी बड़ी सी रेलगाड़ी, 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 और रेलगाड़ी मौजूद है पटरी पे, रेल की पटरी पे, रेल की पटरी पे चलती है ना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल की पटरी, रेलगाड़ी, रेल की पटरी, रेलगाड़ी। और भाई रेल की पटरी पे इस वक्त बैठे हुए हैं रीच, 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 और रीच के गले में लगी हुई है, पड़ी हुई है एक रस्सी, 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 जो कि किसके हाथ में है? रहीमू बाबा के हाथ में, रहीमू बाबा के हाथ में है रीच की रस्सी, रीच की रस्सी है रहीमू बाबा के हाथ में। और जनाब ये है रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। तो जनाब तस्वीर हमारी खुल चुकी है, तस्वीर हमने देख ली है, मौजूद है यहाँ पे रेलगाड़ी, रेल की पटरी, रीच, रीच के गले में है रस्सी, रस्सी है रहीमू बाबा के हाथ में, रिक्शा भी मौजूद है। आइकन्स हम यहाँ देख चुके हैं कि है, सुनिए और रंग भरिए, रंग हम भर चुके हैं, सुन हम रहे हैं कहानी, और कहानी के बाद क्या होगा, आप ये कहानी सुनाएंगे अपने दोस्तों को। तारीख भी सफ़े पे आप लिख चुके थे, बिल्कुल जनाब। तो सुनते हैं कहानी के आज इस कहानी में क्या हो रहा है, थोड़ी सी आपको याद आ गई होगी और थोड़ी सी ये कहानी सुन के याद आ जाएगी, ठीक है जनाब? चलें जी कहानी सुनते हैं। रहीमू बाबा की, रीच की, रेल की पटरी है, रेलगाड़ी मौजूद है, रिक्शा है, कहानी सुने चलें। रहीमू बाबा के पास एक रीच था, वो रीच का तमाशा दिखा कर रोज़ी कमाते थे। हाँ याद आ गया, सही सही, वो रोज़ रीच की रस्सी पकड़ कर मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। एक दिन बाबा को अपने दोस्त के घर जाना था जो ज़रा दूर रहते थे। बाबा ने रीच को भी साथ ले लिया ताकि वो दोस्त को भी रीच का तमाशा दिखा सके। अच्छे बाबा थे ना, अपने दोस्त को भी चाह रहे थे कि वो भी रीच का तमाशा देखे। बाबा चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते 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 बाबा और रीच थक गए, लेकिन दोस्त का घर ना आया।
बाबा ने सोचा, अगर दोस्त के घर दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो और देर हो जाएगी, क्यों ना मैं रेल की पटरी पार करके उस तरफ पहुंच जाऊं। बाबा चल पड़े। बाबा के पीछे एक रिक्शा जा रहा था। रास्ते में रेत ही रेत थी। बाबा रीच को लेकर पटरी पार करने लगे तो रीच रास्ते में ही बैठ गया और बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ आराम करूँगा। दूर से आती हुई रेलगाड़ी के ड्राइवर ने जब रीच को देखा तो उसने रेलगाड़ी रोक दी। बाबा ने सब मुसाफिरों को रीच का तमाशा दिखाया। सब लोग बहुत खुश हुए और फिर बाबा रीच को लेकर अपने दोस्त के घर चले गए। कैसी थी कहानी, मज़े की कहानी थी ना। देखा, मैंने कहा था ना, कहानी होती बहुत मज़े की है जो हमारी तितली दोस्त सुनाती है ना। कहानी समझ में आ गई है, अब तो नहीं भूलेंगे ना। ज़रा मुझे जल्दी से बताइए कि रहीमू बाबा के पास क्या था। रीच था। रहीमू बाबा कहाँ जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे? अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। बिल्कुल जनाब, जा रहे थे दोस्त से मिलने। तो रोज़ को वो क्या जा रहे थे कि वो क्या दिखा सकें अपने दोस्त को? रीच का तमाशा। तो फिर रीच को साथ लेके जा रहे थे। अच्छा जी जनाब, जब वो जा रहे थे तो बाबा के पीछे क्या था? बाबा के पीछे रिक्शा था और रास्ते में क्या थी? रेत ही रेत। अच्छा, जो रेलगाड़ी रुक गई थी तो फिर बाबा ने क्या किया? सब मुसाफिरों को क्या दिखाया? रीच का तमाशा दिखाया। अभी सब मुसाफिर खुश हो गए थे ना। हाँ चले जी जनाब, अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, कहानी याद कर लेनी है, पक्की पक्की दोस्तों को सुनानी है, टीचर को वॉइस नोट भेजना है कि आज हमने बड़ी मज़े की कहानी का रिवीजन किया है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।